गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा जी, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13, दैट इज ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, तीन लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज्ड फिगर, उसको आप बोलते हो ट्रायंगल। ठीक है जी, एग्जाम आप ऐसे ही ट्रायंगल को शो करते हो। ये तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, इन तीनों से क्या बना? ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये तीन पॉइंट से बनी ए बी सी, तो ये ए बी सी इसके क्या हैं? वर्टेक्स या वर्टिसेस। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों इसकी साइड्स हैं और ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है बेटा जी, आगे टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? तो नेम से क्लियर है, इंटीरियर मींस इनसाइड, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड। कहता ट्रायंगल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्लेन को तीन, ट्रायंगल जो है एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट जो इनसाइड द ट्रायंगल है वो है इसका इंटीरियर, वो पोर्शन जो आउटसाइड द ट्रायंगल है वो उसका होता है एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री कवर करते हैं लाइन सेगमेंट्स वो उसके होते हैं, सॉरी जो साइड्स बनाती हैं पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, वो बाउंड्री बनाती है ट्रायंगल की। जैसे इसी ट्रायंगल में देखें, ये है ए बी सी, तो ये जो ए बी सी, मान लो इस प्लेन के ये सारा बाहर वाला पार्ट, ए बी सी के बाहर वाला पार्ट इसका एक्सटीरियर हो गया, ए बी सी के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर हो गया, और ये जो ए बी सी वाला पोर्शन है जहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, जो ये तीन साइड्स वाला हिस्सा है, वो इसका बाउंड्री हो गया। अब ये तक, यहाँ तक तो हमने ये डिस्कस किया ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल एक तीन लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जो तीन वर्टेक्स को जब हम जोड़ देते हैं तो तीन लाइन सेगमेंट्स बनती हैं जिनको हम उसकी साइड्स बोलते हैं, तो एक फिगर फॉर्म होती है, उसको बोला जाता है ट्रायंगल। अब आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की टाइप्स, तो उसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं हम, एक उसकी लेंथ ऑफ साइड्स के बेसिस पे और उसके एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे तीन टाइप की ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है, नेम से क्लियर है, इक्विलेटरल मीन जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलन जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तब भी तीन टाइप की हैं। एक आती है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मींस एक्यूट एंगल्स, आपने फिफ्थ क्लास में सारा कुछ पढ़ा है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, तो एक्यूट मींस जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से कम वाले होते हैं। राइट ट्रायंगल मींस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से अबव होगा। ठीक है बेटा जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तीन तीन टाइप की ट्रायंगल्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मींस उसके अकॉर्डिंगली जो तीन एंगल्स बनते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, उन तीनों का टोटल सम 180 होता है। ये हमने फिफ्थ क्लास में सब कुछ किया हुआ है कि ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसी को आप बोलते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल में बनने वाले तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब देखो, जैसे बेटा आपको फर्स्ट एग्जांपल दी है, फाइंड द मार्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ए बी सी ट्रायंगल बनाई है, एंगल ए गिवन है 22 डिग्री, एंगल बी इज नॉट गिवन, ठीक है, और एंगल सी है 35 डिग्री। तीन एंगल्स में से टू गिवन है, सॉरी, और आपने थर्ड वन फाइंड आउट करना है।
अब ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन रही है। अब हम पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी देखो तो वो सारा टोटल सम 180 के इक्वल हो गया। अब एंगल ए की जगह 22 डिग्री, सी की जगह 35 और बी एज सच, क्योंकि बी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद सॉल्यूशन करके आपने क्या किया, 22 प्लस 35 वाला जो इक्वेशन वाला पोर्शन था आपने 180 की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब 22 और 35 इधर पॉजिटिव थे, उधर जाकर नेगेटिव हो गए, वहाँ जाके नेगेटिव बन गए। उसके बाद सॉल्व करने पे आपके पास एंगल बी की वैल्यू आई 123 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके दो एंगल 90 से कम थे और एक एंगल 90 से अबव आया, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है। ये मैंने आपको वैसे ही नॉलेज के लिए बताया, उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा था। आप इसके साथ ही एक नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। एंगल नेमिंग भी आपने सीखी हुई है कि जहाँ पे एंगल बन रहा होता था उसको सेंटर में लिखते थे और बाकी के दोनों वर्टेक्स उसके साइड पे आते थे, राइट और लेफ्ट कॉर्नर। अब जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, उन्होंने ट्राई आउट में दिया है क्वेश्चन, तो बी ए सी गिवन है 20 डिग्री। बी ए सी मीन्स एंगल ए गिवन है क्योंकि ए सेंटर में आ रहा है। ए बी सी गिवन है मीन्स बी गिवन है क्योंकि बी सेंटर में आ रहा है। तो बी सी ए फाइंड आउट करना है, इट मीन्स सी फाइंड आउट करना है। फिर से आप वही 180 वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि टू एंगल्स का सम लेके थर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड एग्जाम्पल। अगर आप देखो फॉलोइंग फिगर में एक आपको कंप्लीट एंगल बनी है ए बी सी और फिर उसके टू पोर्शन कर लिए ट्राइंगल के, उसमें कहता ए बी सी भी आपकी राइट ट्राइंगल है और उसका हाफ किया है डी ई बी, वो भी एक राइट ट्राइंगल गिवन है। उसके बाद सी ए बी, पूरे एंगल ए की वैल्यू 52 गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है ए बी सी मीन्स ये बी एंगल और ई डी सी मतलब जो ई डी और सी के बीच में बन रहा है यहाँ पे एंगल, यहाँ वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मैं फोकस करके बता रही हूँ, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ई डी सी। आप देख सकते हो ई डी सी किधर बन रहा है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले उसने ट्राइंगल ए बी सी की हेल्प से, अब यहाँ पे सी एंग, उन्होंने ए बी सी नाइन बोली है राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है, सी पे। तो ए डिग्री की ए की वैल्यू पता है, सी की पता है, बी की फाइंड आउट कर लोगे। देन बी एंगल ए बी सी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बेटा अगर आप अपनी ट्राइंगल ये वाली देखो डी ई बी, तो डी ई बी में बी की वैल्यू भी है आपके पास और ई की भी गिवन है, ई क्योंकि 90 डिग्री है वहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रही है, आप डी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास हाफ डी आ जाएगा ये ट्राइंगल यूज़ करने पर, ठीक है, इतनी इतनी ट्राइंगल यूज़ करने पर आप डी की हाफ वैल्यू निकाल सकते हो। बट आपके पास ई डी भी आया, आपको चाहिए ई डी सी, ये वाला चाहिए। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, तो ये दोनों एक सीधी लाइन पे बन रहा है पूरा एंगल, अगर इसका पूरा सम 180 है, हाफ गिवन है, आप हाफ में से 180 माइनस कर दोगे तो बाकी का पोर्शन फाइंड आउट करोगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ की है इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे साइड पे उन्होंने लिखी है ना लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। सो ये एग्जाम्पल सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में से आप इसको एक बार जरूर देखना, ट्राई करके देखना, इसको फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करना खुद से। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में अब आपको बताने लगी हूँ एंगल्स इन ट्राइंगल्स के केस में। जैसे आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ी, मीन्स जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री होता है, ये याद रखना आपने। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री के इक्वल। आइसोसेल ट्राइंगल वो थी जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें जो ऑपोजिट इक्वल साइड के ऑपोजिट बनने वाले एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और स्केलन ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी ये है, स्केलन वो थी जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसमें जो एंगल लार्जर साइड के ऑपोजिट बनता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है उस ट्राइंगल का, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका ट्राइंगल का टॉपिक डिस्कस होता है, जिसमें आपने ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी ऑन बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स और
एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में रीड किया. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.